नमस्कार मेरे स्कॉर्पियो मित्रों, स्वागत है आपका अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए फरवरी महीना और आपकी राशि, और स्कॉर्पियो राशि में इस महीने में क्या खास होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी राशि इस समय इस महीने में बहुत ही स्ट्रांग राशि बन के उभरने वाली है। कारण कि आपके राशिपति मंगल आपकी राशि से ही गुजर रहे हैं, आपके हाउस ऑफ सक्सेस के लॉर्ड सूर्य जो आपके पराक्रम में जाके बैठ गए हैं, तो इसका मतलब एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। वहीं सुखेश का दूसरे घर में आ जाना बेहतरीन पोजीशन, वहीं पूर्णिमा के इर्द गिर्द ही इस वर्ष इस महीने की शुरुआत जो है वो दिखा रही है कि भाग्य स्थान में चंद्रमा बिल्कुल रोशन है, हालांकि राहु के साथ बैठे हुए, तो ये बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें एक उमंग सी एक अच्छी चीजें दिखाई दे रही है। हम उसको कैसे पा पाएंगे उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हेल्थ के मामले कहूंगा तो निश्चित तौर पे आपको हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आप सफर कर रहे हैं स्टमक की प्रॉब्लम से पहले से ही, तो उसका ध्यान देना होगा, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं, बहुत आपको लगता है कि ना जाने मैं क्या कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए। मंगल और सूर्य की एनर्जी इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि आप कहीं होश ना खो बैठे। अच्छा है आप एक्सरसाइज करें, आप मोटिवेशन में दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत कुछ करना है, निश्चित तौर पे आप करें, कौन कहता है। लेकिन अगर होश गुम हो जाए तो रिस्क बढ़ जाते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भाई आपके भाग्य स्थान में राहु चंद्र का योग, तो यह आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को खराब कर सकता है, चीज़ का ध्यान देना है। तो हेल्थ के मामले आपको बहुत सारा ध्यान देना होगा, ये बहुत जरूरी बात है। इसके बाद हम बात करें परिवार की, अगर मैं देखूँ तो परिवार में इस समय क्या है, तो परिवार में जैसे मेरे का सुख यानी कि चौथे घर का मालिक शनि दूसरे घर में आ पहुंचा है, एक्सटेंडेड फैमिली में आ चुका है, वहीं आपका सेवंथ हाउस देखेंगे, फिफ्थ हाउस देंगे, तो मैं ये कहूंगा कि परिवार में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसमें कुछ नया, कुछ लोगों का आना जाना, कुछ लोगों का रुष्ट हो जाना भी है, आप में आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन उसमें कुछ कमियां सी दिखाई दे रही हैं। ये जो जो चीजें हो रही हैं, ये आपके पैसे का कहीं ना कहीं आप वो आनंद नहीं, पैसा लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस का लेवल आपका साथ साथ बना रहेगा, तो सावधानी पूर्वक जैसे मैंने कहा होश में जोश में होश ना खो दें, तो इसी का ध्यान रखना है कि कई बार हम कई चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो ये सावधानी आपको रखनी होगी। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने से ही लाभ होगा, और आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं प्योरिटी की जो आप उम्मीद करते हैं शायद दूसरे से वो कम हो, लेकिन आप अपनी ड्यूटी जो है वो करते रहें, यही आपका मूल मंत्र जो है रिश्तों को बनाए रखने में होगा। अगर माँ बाप की बात करूँ तो निश्चित तौर पे माँ का पूरा साथ मिलेगा, वहीं अगर मैं बात करूँ पिता साइड से तो मैं ये कहूँगा कि हाँ वहाँ पे जिनके फादर हैं उनको साथ मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फादर नहीं हैं तो उनको किसी ना किसी सीनियर मेंबर का सहयोग जरूर मिलता रहेगा, लेकिन एक दुविधा वहाँ रहेगी कि अगर मेरे पिता मेरे साथ होते, मेरा फला मेरे साथ होता तो और भी अच्छा, तो कहीं ना कहीं लेट डाउन रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा खुशी है, खुशियों का समय है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां साथ में आप लोगों की जरूर बनी हुई हैं। बहन भाइयों की ओर से निश्चित तौर पे पूर्ण सहयोग मिलने के योग बने हुए, एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, अपने आप एक बेहतरीन योग जो है पराक्रम में आ बना है, जो आपके लिए एक अच्छी स्थिति होगी। यही संतान की अगर बात करूँ तो संतान से आपके संबंध बेहतरी की ओर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेहतरी की ओर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं जुपिटर का आपके संतान भाव से ट्वेल्थ हाउस में हो जाना, आप जितनी इच्छाएं उनसे लगाए बैठे हैं, जितना आप सोचते हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ लेट डाउन हो सकता है, बेहतर करते हुए भी। वैसे ही मैंने देखा है कि स्कॉर्पियन जो है वो ब्लेस्ड होते हैं, संतान उत्तम, ज़्यादा संतान, उत्तम संतान और संतान कामयाब संतान, इसको हम मानते हैं स्कॉर्पियन के लिए, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस में पाइसिस राशि यानी कि दुनिया भर घूमने वाली संतान, दुनिया भर की नॉलेज रखने वाली संतान आपकी होती है, लेकिन यहाँ इस समय थोड़ी सी कमियाँ जरूर हैं जो आपको शायद कुछ एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट दे सकती हैं, जो आपको लेट डाउन देखेगा। और यही बात मैं देख रहा हूँ कि पारिवारिक संबंधों में कहीं ना कहीं खुशियों के साथ साथ कुछ लेट डाउन जरूर बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ ग्रह जीवन की तो आपके बिल्कुल सामने टॉरस और टॉरस का लॉर्ड वीनस थर्ड हाउस में बैठ गया, तो यहाँ जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी में जोश ज़्यादा होगा, उमंग ज़्यादा होगी, वो बहुत कुछ करने की सोच रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है एक पेशेंस जो होती है, मुझे लगता है टेम्पर लूज करना एक नेचर इस समय हो सकती है, जो आपके और आपके साथी के साथ कुछ आर्गुमेंट की स्थिति बना सकता है। शादी के लिए ओवरसीज से आपको ऑप्शन आ सकते हैं, आपका मन करता है विदेश जाऊं, वहां शादी करूं, वहां से कोई आया हो लड़का लड़की आपको यहां पसंद आ जाए, आप शादी करना चाहें तो शादी के लिए भी एक विदेशी लोगों के साथ शादी या कहीं दूसरे शहर में जाके दूसरे देश में जाके सेलिब्रेट शादी करने का आपका मन
हो सकता है और आपको कोई शादी अटेंड करने का मौका भी मिल सकता है, ऐसा कोई इनविटेशन भी आपको आ सकता है, तो आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखें। तो कुल मिला के सेलिब्रेशन है, शादीशुदा जीवन में भी सेलिब्रेशन है। कुछ आर्गुमेंट दिखाई देते हैं लेकिन आप उनको अच्छी तरह से मना लेंगे ऐसी भी मुझे उम्मीद जो है वो दिखाई देती है। शादी के लिए जो समय अच्छा है, एंगेजमेंट के लिए समय अच्छा है, निश्चित तौर पर उसको भी लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि यस, प्रेम संबंधों का जो कारक ग्रह है इस समय कमजोर है, शायद उसमें अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर अच्छी तरह से परख कर ही आप अगर कोई डिसीजन बनाएंगे तो लाभ होगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपकी जल्दबाजी जो है वो आपके हाथों से एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा रिश्ता जो आपका हो सकता है उसको आपके हाथों से ले जाए, एक अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दें, चीज का आपने ध्यान देना है। तो जो संबंधों की जो स्थिति है वो इस तरह से बनी हुई है। अगर मैं बात करूँ आपकी घर और प्रॉपर्टी की, घर और प्रॉपर्टी में ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ मसले आपके जो ऑनगोइंग चल रहे थे उनमें कुछ नया मोड़ आएगा, उसमें कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसमें कुछ चीज़ें हल होती हुई दिखाई दे रही है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहीं मूव होना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जी हाँ, आप एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट हो सकते हैं, आप एक घर से दूसरे घर में जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन यह समय मैं ये कहूँगा कि गाड़ी को लेके थोड़ा जल्दबाजी ना करें, पेशेंस के साथ करें, और अगर नीले रंग की गाड़ी लें तो निश्चित तौर पे उसमें हानि हो सकती है। तो घर गाड़ी की जो स्थिति है उसमें स्थितियाँ बेहतर हैं, लेकिन सावधानी के साथ आपको कुछ चीज़ों के ऊपर एक्ट करना होगा। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ कि भाई ये सब खर्चे तो आपने बता दिए, घर ले लो, गाड़ी ले लो, शादी होगी, पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए काम चाहिए, उसके लिए बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए। तो अगर मैं बात करूँगा आपको क्या, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपका जॉब का मैटर कैसा रहेगा, निश्चित तौर पे कुछ परिवर्तन की स्थिति है। आप हिम्मत नहीं हारने वाले हैं, इसलिए आप अपनी हिम्मत से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करेंगे, और ऐसी स्थिति भी होगी जहां आपके मन में से ये निकल जाएगा अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, अब मुझे अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, अपनी नौकरी अपना धंधा जो है खुद बनाना है। आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की ओर अग्रसर होंगे, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। अगर आप इनकम बनाने के में सक्षम है, आपको लगता है, तो आपको इस महीने में आगे बढ़ना होगा। अगर आपको मैं करियर वाइज देखूं, जो लोग करियर में ऑलरेडी हैं, जो ऑफिशियल हैं, जो सरकारी नौकरियों में हैं, उनके लिए स्थान परिवर्तन प्रमोशन के साथ होगा, और ये एक अच्छी स्थिति दिखाई। आपका जो बिजनेस में है उनको ऐसा लगता है कि आपकी प्रोग्रेस बिजनेस में, आपका क्लाइंट बेस बिजनेस में है, वो वर्ल्ड वाइड बढ़ने वाला है। आपको दूर दूर से, जहां आपने कभी सोचा नहीं था, वहां से आपको कॉन्टैक्ट जो है इस बार मिल सकते हैं। तो कुल मिला के स्थितियां आपकी फेवर में बनी हुई हैं, और ये निरंतर ऐसी ही स्थिति में देख रहा हूं कि आने वाले समय में भी आप इसका पूर्ण लाभ ले सकेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो उम्मीद के सहारे तो हम जिंदा रहते हैं, और आप तो कर्म करने में विशेष तौर पे लाभ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। और नौकरी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांसफर हो जाए, बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर होगी, लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको बड़े वहां से निकाल के आपके लोकल घर के टाउन में ले आए, ऐसी संभावनाएं कम है, लेकिन ट्रांसफर के योग हैं। आपका जो रोल है जो जॉब में, उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मिल सकती हैं, इस तरह का संभावना है। यात्राओं के मामले कहूँगा कि इस वर्ष आपकी यात्राएं, इस महीने में यात्राओं का योग है, यात्रा अचानक करनी पड़ सकती है, उसमें धार्मिक यात्राएं रहेंगी, उसमें पारिवारिक यात्रा रहेंगी, उसमें किसी शादी को अटेंड करने की यात्राएं हो सकती हैं, इससे जुड़ी हुई यात्राएं हो सकती हैं। तो कुल मिला के ये एक अच्छा स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं जब सारी चीज़ों को कंक्लूड करता हूँ तो मुझे लगता है कि जी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप जल्दबाजी कर सकते हैं, आप जोश में कुछ डिसीजन ले सकते हैं, उससे अगर आप सावधान रहेंगे तो निश्चित तौर पे ये फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मंथ साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अंत में यही कहूँगा कि एक उपाय आपको करना चाहिए कि कभी कभार धर्म स्थान में पीले रंग की वस्तुओं का दान देते रहने से इस पूरे महीने में आपके रुके हुए काम या जो आप चाहते हैं उसमें पीस ऑफ माइंड ही कम से कम हो, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे ईमेल मिला है कि अगर मेरे पास सर्टन अमाउंट तक सब्सक्राइब नहीं होंगे तो मैं ज़्यादा वीडियोज अपलोड नहीं कर पाऊंगा, आपके सामने नहीं हो पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये जानकारी देता हूं, आप पर देता रहूं और आपके सामने हाजिर होता रहूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा अब आपसे, बात करूंगा आपसे मार्च महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।